हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको रॉयल्टी का चैप्टर पढ़ाया था और उसका भी काफ़ी पार्ट रह भी गया है, जिसके मेरे आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक और चैप्टर आज शुरू कर रहा हूँ, किराया क्रय पद्धति एवं किस्त भुगतान पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो ये चैप्टर आपका दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक तो किराया क्रय पद्धति यानी हायर परचेज सिस्टम, इसके क्वेश्चंस हैं इसमें, और दूसरा है किस्त भुगतान पद्धति यानी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम की बात करते हैं। संपूर्ण व्यवसायिक क्रियाओं में यानी व्यवसाय की जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें विक्रय या सेलिंग जो है वो एक महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। विक्रय एक महत्वपूर्ण क्रिया है और वर्तमान समय में विक्रय की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली जो पद्धति है वो है विक्रय का प्रारूप नकद के रूप में होता है, यानी कि सबसे पहले जो सेल होती है हमारी वो नकद के रूप में, ये रूप ज्यादा प्रचलित है। और इसमें क्या होता है कि नकद विक्रय के अंतर्गत क्रेता विक्रेता को वस्तु का जो मूल्य होता है वो नकद चुका देता है और बदले में विक्रेता वस्तु को क्रेता को दे देता है, वस्तु का स्वामित्व भी क्रेता को तुरंत ही मिल जाता है। तो ये तो विक्रय का पहला स्वरूप हुआ यानी कि नकद वाला कैश सिस्टम। और दूसरा क्या है, उधार विक्रय जो है वो इसका दूसरा स्वरूप है। तो उधार विक्रय में क्या होता है कि क्रेता को माल का स्वामित्व तो तुरंत मिल जाता है, यानी वो वस्तु क्रेता को तुरंत मिल जाती है, लेकिन वस्तु का भुगतान क्रेता आने वाले समय में एक निश्चित तिथि पर करने का वचन देता है विक्रेता को। विक्रेता से कहता है कि मैं आने वाले समय में यानी एक महीने बाद या एक दो महीने बाद जैसा भी होगा, तो उसके बाद उस निर्धारित समय के बाद मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। तो और निर्धारित समय के बाद क्रेता विक्रेता को पूरा पेमेंट वस्तु के मूल्य का दे देता है। तो ये उधार विक्रय हुआ। और इसके बाद अब आधुनिक समय में यानी इस समय एक और तीसरा स्वरूप विक्रय का सामने आया है। और उसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी जो चीजें होती है जैसे संपत्ति, कार, स्कूटर, रेडियो, टेलीविजन, फ्रिज, ट्रक, ट्रैक्टर, सिलाई मशीन आदि, इस तरह की जो भी वस्तुएं होती हैं, तो उनका पेमेंट कभी कभी क्रेता को ऐसा लगता है कि इन वस्तुओं का पेमेंट वो तुरंत भी नहीं कर सकता है, यानी कैश भी नहीं कर सकता है, और आने वाले समय में एक या दो महीने बाद भी वो वस्तु का मूल्य पूरा एकदम से नहीं चुका सकता है, बल्कि वो मूल्य को धीरे धीरे कुछ भागों में चुका सकता है, यानी कि उसका पेमेंट किस्तों में कर सकता है। तो ये जो विक्रेताओं द्वारा ये जो विक्रय की एक नई प्रणाली खोज की गई है, जिसमें क्रेता वस्तु का मूल्य धीरे धीरे किस्तों में चुकाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं किराया क्रय पद्धति या हायर परचेज सिस्टम। इस प्रणाली का नाम किस्त फुटकर प्रणाली या इंस्टॉलमेंट रिटेलिंग सिस्टम भी है। और इसमें क्या होता है, इस प्रणाली से क्रेता को यह लाभ होता है कि क्रेता के ऊपर मूल्य के भुगतान का भार तुरंत नहीं पड़ता है, यानी कि वह उस मूल्य को धीरे धीरे किस्तों में चुका सकता है। और दूसरी ओर विक्रेता को एक निश्चित रकम की प्राप्ति का आश्वासन मिल जाता है, और इसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त आय उसको ब्याज के रूप में भी मिल जाती है। किराया क्रय कंपनियों के उद्गम का कारण भी इसी प्रकार की विक्रय व्यवस्था के कारण हुआ है, यानी हायर परचेज जो कंपनीज हैं वो इसी वजह से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, इसी वजह से उनका उनकी शुरुआत हुई है। इस प्रकार की बिक्री का व्यवहारिक रूप दो प्रकार से होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, पहला तो हो गया किराया क्रय पद्धति यानी हायर परचेज सिस्टम, और दूसरा हो गया किस्त भुगतान पद्धति यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो पहले हम लोग बात करते हैं किराया क्रय पद्धति या हायर परचेज सिस्टम के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत
जिन दो पक्षों के बीच अनुबंध होता है, यानी कि एक पक्ष कौन सा हो गया, माल को खरीदने वाला, वस्तु को खरीदने वाला, और दूसरा पक्ष कौन सा हो गया, माल को बेचने वाला या वस्तु को बेचने वाला। तो इनमें से जो पक्ष वस्तु को खरीदता है तो उसको हम कहते हैं किराया क्रेता या हायर बायर, HIRE हायर, BUYER हायर बायर। और दूसरा जो पक्ष है जो वस्तु को बेचता है उसको हम कहते हैं किराया विक्रेता या केवल विक्रेता, हायर सेलर, या उसको वेंडर भी कहते हैं। किराया क्रय पद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसको देखते हैं। पहला है अनुबंध की तिथि को विक्रेता क्रेता को माल की सुपुर्दगी दे देता है, यानी जिस डेट को एग्रीमेंट हो रहा है, जिस डेट को अनुबंध हो रहा है, तो उस डेट को किराया क्रेता को माल की सुपुर्दगी मिल जाती है, विक्रेता वस्तु को क्रेता को दे देता है। परंतु उसके जो स्वामित्व पत्र हैं यानी टाइटल डीड्स या उसके जो पेपर्स हैं उस वस्तु के, उनको अपने पास ही रखता है। और जब आखिरी किश्त भी किराया क्रेता द्वारा चुका दी जाती है तब वो स्वामित्व पत्र विक्रेता द्वारा क्रेता को दे दिए जाते हैं, उसके पेपर्स क्रेता को मिल जाते हैं। इसको अगर अन्य शब्दों में कहा जाए तो किराया क्रेता को माल का अधिकार यानी उसका पोजीशन तो तुरंत मिल जाता है, प्रयोगाधिकार भी मिल जाता है यानी राइट टू यूज वो भी मिल जाता है, लेकिन वस्तु का स्वामित्व या उसकी ओनरशिप वो तुरंत नहीं मिल पाती है। वो तभी मिल पाएगी जब आखिरी किश्त भी किराया क्रेता के द्वारा चुका दी जाएगी। दूसरी जो विशेषता है इसकी करेक्टरिस्टिक्स है उसमें है जब किराया क्रेता संपूर्ण किश्तों का भुगतान कर देता है तो उसे माल का स्वामित्व भी मिल जाता है, जो मैंने अभी आपको बता चुका हूं। सारी किस्तें जब किराया क्रेता चुका देगा तब उसको माल का स्वामित्व या उसके पेपर्स वो भी मिल जाएंगे। तीसरी विशेषता है माल का मूल्य अनुबंध द्वारा निश्चित सामयिक किस्तों में चुकाया जाता है, यानी जैसे अनुबंध के समय जैसी किस्तें तय होंगी, मासिक या त्रैमासिक जैसी भी होंगी, क्वार्टरली जैसी भी होंगी, तो उस हिसाब से किस्तों में माल का मूल्य धीरे धीरे करके किराया क्रेता के द्वारा चुका दिया जाएगा। जितनी अवधि के लिए मूल्य का भुगतान शेष रहता है यानी वस्तु का जो पेमेंट है वो जितना शेष रह जाएगा उस अवधि के लिए किराया क्रेता से विक्रेता एक निर्धारित दर से उस पर ब्याज विक्रेता चार्ज करेगा, जो भी पेमेंट रह गया होगा। चौथी जो विशेषता है उसमें है यदि किराया क्रेता किसी किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है तो विक्रेता को माल को वापस लेने का अधिकार रहता है। ऐसी स्थिति में किराया क्रेता द्वारा जितनी भी किस्तें अभी तक चुकाई गई हैं उनको उन किस्तों की राशि को किराया मान लिया जाता है, यानी वस्तु का उस समय तक का किराया मान लिया जाता है, और इन उन किस्तों को विक्रेता जब्त कर लेता है, उन किस्तों को अपने पास रख लेगा, क्योंकि उतने समय तक किराया क्रेता माल का प्रयोग कर चुका होता है और इस वजह से उस माल में कुछ डेप्रिसिएशन, उसकी उपयोगिता में कुछ कमी भी आ चुकी होती है। तो अब चूंकि कुछ समय तक किराया क्रेता उस वस्तु को प्रयोग कर चुका है तो इसलिए उसकी जो उसके द्वारा अब तक चुकाई गई जो किस्तें होती हैं वो उनको किराया मान के विक्रेता रख लेता है। इस प्रकार की बिक्री में इसी तत्व या विशेषता की उपस्थिति के कारण ही इसका नाम किराया क्रय पद्धति रखा गया है। पांचवी जो विशेषता है उसमें है कभी कभी किराया क्रेता अपनी इच्छा से भी माल वापस कर सकता है, यानी अगर वो चाहता है कि उसको अब वो माल नहीं चाहिए तो वह उस माल को विक्रेता को वापस कर सकता है, परंतु ऐसी दशा में भी वह उस समय तक चुकता की गई राशि को वापस नहीं ले सकता है, यानी अब तक उसने जो भी किस्तें चुकाई हैं उनको वह विक्रेता से वापस नहीं ले सकता है। विक्रेता उन किस्तों को उस वस्तु का किराया मानकर अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक है उसमें है क्रेता चाहे तो निर्धारित अवधि से पहले ही संपूर्ण भुगतान करके माल का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है।
मतलब यही हुआ इसका कि अगर क्रेता ने अभी तक 2 या 3 किस्तें चुकाई हैं और वो चाहता है कि बाकी जो बची हुई किस्तें हैं उनको भी वह तुरंत इकट्ठा चुका दे, जिससे कि उसको स्वामित्व पत्र या उसकी ओनरशिप वस्तु की तुरंत ही मिल जाए, तो ऐसा वह कर सकता है। लास्ट जो इसकी विशेषता है उसमें है, किराया क्रय अनुबंध के अंतर्गत ही नकद मूल्य यानी कैश प्राइस, किराया क्रय मूल्य हायर परचेस प्राइस, किस्त की रकम, भुगतान की तिथि, ब्याज की दर, वापसी यानी माल की वापसी, विक्रेता द्वारा मरम्मत की जिम्मेदारी आदि की शर्तों के संबंध में स्पष्ट प्रावधान दे दिए जाते हैं। अनुबंध में इन सारी चीजों का उल्लेख बहुत ही क्लियरली कर दिया जाता है, यानी उसमें कैश प्राइस के बारे में बता दिया जाएगा, कितना कैश प्राइस है, कितना हायर परचेस प्राइस होगा, यानी हायर परचेस प्राइस में क्या होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट कितना है, दोनों को मिला के किराया क्रय मूल्य कहते हैं। किस्त की रकम कितनी है ये उसमें अनुबंध में बताया जाएगा, मेंशन होता है। भुगतान की तिथि यानी कब कब इसका पेमेंट किस्तों का करना है, तो वो भी उसमें बताया होगा। ब्याज की दर के बारे में बताया होगा। माल की वापसी किन शर्तों के अंतर्गत होगी वो बताया होगा। विक्रेता द्वारा मरम्मत की जिम्मेदारी किस प्रकार से ली जाएगी वो भी इसके बारे में भी उसने बताया होगा। तो ये सारी चीजें जो है किराया क्रय अनुबंध के अंतर्गत बहुत ही अच्छे से उसमें बताई जाती हैं, उल्लिखित की जाती हैं। अब हम लोग आते हैं किराया क्रय पद्धति के लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज सिस्टम। किराया क्रय पद्धति के लाभ क्रेता को भी होते हैं और विक्रेता को भी होते हैं। क्रेता को क्या क्या लाभ होते हैं तो उनमें देखते हैं। पहला लाभ जो क्रेता को होता है उसमें है, मध्यम व निम्न वर्ग, निम्न आय वर्ग के व्यक्ति मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग करने में समर्थ हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मध्यम वर्ग जो कि जिसकी आमदनी कम होती है और निम्न वर्ग की तो उससे भी कम होती है, तो ये लोग, इन वर्गों के लोग चूंकि अगर किसी बड़ी चीज का उपभोग करना चाहते हैं, कार का या कोई और बहुमूल्य वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं, तो उनके पास इतना पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता है कि वो एकदम से उसको पूरा धन, पूरा पेमेंट एक बार में करके उस चीज को खरीद सकें और उसका प्रयोग कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए ये चीज, ये पद्धति बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें उन्हें धीरे धीरे करके वस्तु का मूल्य किश्तों में चुकाना होता है। दूसरा जो इसका लाभ है उसमें है, भुगतान थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है, जिससे क्रेता पर सारा बोझ एक समय पर नहीं पड़ता। यही चीज मैंने अभी आपको बताई कि इसका पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है क्रेता को, जिससे क्रेता पर एकदम से बर्डन नहीं आता है कि उसको सारा पेमेंट एक ही बार में करना है। थर्ड, तीसरा पॉइंट जो है क्रेता को लाभ वाले में, तो इसमें है, क्रेता आरंभ से ही अर्थात माल की सुपुर्दगी प्राप्त होने से माल का प्रयोग करने लगता है, यानी कि भले ही उसको उसको स्वामित्व पत्र नहीं मिल पाए हैं, पेपर्स नहीं मिल पाए हैं उस चीज के, लेकिन उसको माल के प्रयोग का अधिकार तुरंत ही मिल जाता है, वो चीज उसको तुरंत ही मिल जाती है और वह उसका प्रयोग तुरंत ही कर सकता है। चौथा जो पॉइंट है उसमें क्रेता को माल का क्रय करने अथवा वापस करने का विकल्प होता है। अगर क्रेता को कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि वो माल उसके अनुरूप नहीं है, उसे वह माल पसंद नहीं आ रहा है, तो वह उस माल को विक्रेता को वापस भी कर सकता है। और एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, प्रायः एक निश्चित अवधि तक क्रेता को माल की मरम्मत विक्रेता मुफ्त करवा कर देता है, यानी अनुबंध में शुरुआत में ही ये चीज तय हो जाती है कि एक टाइम तय हो जाता है कि 1 साल या 2 साल तक जो है विक्रेता माल की मरम्मत, अगर उसमें कोई टूट फूट हो जाती है, कोई कमी आ जाती है माल में, तो उसकी मरम्मत मुफ्त कराकर देगा विक्रेता। तो ये क्रेता को जो लाभ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, और अब विक्रेता को कौन कौन से लाभ हैं उसको देखते हैं। एडवांटेजेस टू द सेलर, इसमें है, विक्रेता की बिक्री बढ़ जाती है, यानी अभी तक जो मध्यम और निम्न वर्ग के लोग उन बहुमूल्य चीजों को नहीं खरीदने का सोच पाते थे, उनको नहीं खरीद पाते थे उन चीजों को, तो वो लोग भी इस तरह से इस पद्धति के द्वारा उनको चीजों को खरीद सकते हैं, जिससे विक्रेता की बिक्री बढ़ जाती है, उसकी सेल बढ़ जाती है।
और उसे अधिक उत्पादन करने का अवसर मिलता है। जब विक्रेता की बिक्री बढ़ जाएगी तो निर्माताओं को उन चीजों को अधिक प्रोड्यूस करने का अवसर भी मिल जाएगा, वो उन चीजों को अधिक मात्रा में बना सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विक्रेता को जो लाभ है, किस्तों की राशि प्रायः बिना किसी कठिनाई के आ जाती है, क्योंकि क्रेता को भुगतान ना करने की दशा में माल के छिन जाने तथा चुकाई गई किस्तों के जब्त हो जाने का भय रहता है। किस्तों की राशि जो है क्रेता बिना किसी कठिनाई के दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि उसको इस बात का डर रहता है कि अगर वो किसी किस्त को नहीं चुका पाएगा भविष्य में, तो उसकी वो जो माल है, जो वस्तु है, वो विक्रेता के द्वारा जब्त कर ली जाएगी, और उसने अब तक जो भी किस्तें चुकाई हैं, वो किस्तें भी उसको वापस उसका पैसा नहीं मिलेगा, वो किस्तें भी जब्त हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट है विक्रेता को लाभ में, विक्रेता क्रेताओं के निकट संपर्क में आ जाता है। यानी विक्रेता जो है, नकद विक्रय में तो ये था कि एक बार वस्तु विक्रय हो गई तो उसके बाद ना तो क्रेता विक्रेता के यहाँ आ रहा है और ना विक्रेता का क्रेता से किसी और प्रकार से संबंध हो पा रहा है, लेकिन इसमें चूंकि बार बार किस्तों का पेमेंट करने के वजह से विक्रेता जो है क्रेताओं के संपर्क में लंबे समय तक रहता है, जिससे उसे माल के जो गुण दोष हैं, यानी उस माल में कोई कमियां आ रही हैं या उसमें कुछ अच्छाइयां हैं, तो उनके बारे में क्रेता से पता चलता रहता है वह दोषों को, और अगर उस चीज में कोई कमियां हैं तो वह उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न भी कर सकता है। अन्य लाभ, इसके क्रेता और विक्रेता के अलावा अन्य लाभ भी हैं, और उसमें ये हैं, मध्यम व निम्न वर्ग के लोग भी आरामदायक तथा विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार देश का आर्थिक जीवन स्तर ऊंचा उठता है। और सेकंड जो इसका अन्य लाभ में है, उसमें बिक्री बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ता है, जब बिक्री बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन भी चीजों का बढ़ेगा, लागत गिरती है, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है किसी भी चीज का तो उसकी जो लागत है, जो उसकी कॉस्ट है, वो धीरे धीरे करके कम होती है, उत्पादन की किस्म में सुधार होता है तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। तो ये सारे किराया क्रय पद्धति के लाभ थे, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन दूसरी तरफ किराया क्रय पद्धति की कुछ एक हानियां भी हैं, तो उनको देखते हैं। क्रेता को हानियां, पहला है डिसएडवांटेजेस टू द बायर। पहली हानि जो क्रेता को होती है वो ये है, क्रेता को नकद मूल्य की अपेक्षा अधिक मूल्य देना पड़ता है। यानी अगर वो उस चीज को नकद खरीदता, उस वस्तु को नकद खरीदता, तो उसे कम पैसा देना पड़ता, लेकिन अगर किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत वह उस चीज को खरीदता है तो उसे ब्याज भी अधिक चुकाना पड़ता है, तो उसको जो ब्याज की रकम अधिक चुकाना पड़ती है वो उसकी उसके लिए एक तरह से हानि है। दूसरा जो हानि है क्रेता को वो ये है, क्रेता को ये डर लगा रहता है कि भुगतान ना करने की दशा में माल छिन सकता है, यानी विक्रेता उस माल को जब्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, क्रेता जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता है तब तक वह वस्तु का स्वामी नहीं होता, क्योंकि उसको ओनरशिप पेपर्स जो है वो नहीं मिलते हैं, टाइटल डीड्स नहीं मिलते हैं, और इसी कारण वह किसी तीसरे पक्ष को अगर चाहे भी तो वह उस वस्तु को बेच नहीं सकता, क्योंकि पेपर्स उसके खुद के पास भी तब तक नहीं आते हैं जब तक वह अंतिम किस्त नहीं चुका देता है। अब विक्रेता को क्या क्या हानियां हैं तो वो देखते हैं। किराया क्रय पद्धति से माल बेचने के लिए विक्रेता के पास बहुत अधिक पूंजी या कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि उसको वस्तु का मूल्य पूरा तुरंत नहीं मिलता है, वो आने वाले एक लंबे समय में धीरे धीरे करके मिलता है, लेकिन वस्तु का उत्पादन करने के लिए, अब वस्तु की संख्या को बनाए रखने के लिए उसको अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है विक्रेता को हानिया में, सैद्धांतिक रूप से ये कहना सरल है कि किस्त का भुगतान ना होने की दशा में विक्रेता माल को वापस ले सकता है, लेकिन व्यवहार में यानी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो
विक्रेता को माल वापस लेने के लिए कई वैधानिक कार्य करने पड़ते हैं, काफी सारी लीगल प्रोसीडिंग्स करनी पड़ती हैं, तभी वह माल को वापस ले सकता है। तीसरी हानि है किस्तें वसूल करने में भी विक्रेता को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, यानी बहुत आसानी से किस्तें वसूल नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए भी उसको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। चौथा जो पॉइंट है विक्रेता को हानिया में, उसमें है किस्त का भुगतान ना मिलने की दशा में यदि विक्रेता माल को वापस ले लेता है तो माल पर उस समय तक का जो ह्रास हो चुका है, यानी माल की जो कंडीशन खराब हो चुकी है जितनी, तो वह हानि भी विक्रेता को स्वयं ही सहन करना पड़ती है। तो ये विक्रेता को जो हानियां थी वो मैंने आपको बताया। और एक अन्य हानि जो इसमें और बताई हुई है उसमें है अत्यधिक मांग की स्थिति भी किसी देश के लिए घातक होती है, और इस किराया क्रय पद्धति उपभोक्तावाद या कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देती है। किराया क्रय पद्धति के द्वारा उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिलता है, जो भी नुकसानदायक है काफी। और अब हम लोग आते हैं किराया क्रय पद्धति तथा उधार क्रय पद्धति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट परचेज सिस्टम। दोनों में अंतर क्या क्या है? दोनों मेथड हैं, यानी पहला है किराया क्रय पद्धति हायर परचेज सिस्टम और दूसरा है उधार क्रय पद्धति यानी क्रेडिट परचेज सिस्टम। तो देखते हैं इनमें क्या क्या अंतर हैं। पहला तो माल का स्वामित्व जो है उस दृष्टि से दोनों में क्या अंतर है। तो किराया क्रय पद्धति में क्रेता को माल का स्वामित्व तभी प्राप्त होता है जब वह अंतिम किस्त का भुगतान कर देता है, यानी अंतिम किस्त जब वो पेमेंट कर देगा तभी उसको माल के स्वामित्व पत्र मिलेंगे, ओनरशिप उसकी तभी उसको मिलेगी। जबकि उधार क्रय पद्धति यानी क्रेडिट परचेज सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्रेता को माल का स्वामित्व अनुबंध करते ही प्राप्त हो जाता है, यानी जब उसको अनुबंध वो कर रहा है उसी समय उसको माल का स्वामित्व उसके पेपर्स मिल जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है माल वापस करने का अधिकार। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता को माल क्रय करने अथवा वापस करने का दोनों ही विकल्प होते हैं, चाहे तो वह माल को क्रय भी कर सकता है और अगर माल पसंद नहीं आता है तो वह माल को वापस भी कर सकता है। जबकि उधार क्रय पद्धति में इसमें क्रेता अनुबंध के अंतर्गत ही माल का क्रय कर लेता है, यानी जब अनुबंध हो रहा है उसी समय माल का क्रय हो जाता है, अतः उसे माल वापस करने का अधिकार इसमें नहीं होता है, जबकि पहले वाले में उसको माल वापस करने का अधिकार था। माल वापस लेने का अधिकार, इसमें क्रेता द्वारा भुगतान में त्रुटि किए जाने पर, यानी अगर क्रेता कोई किस्त नहीं देता है, पेमेंट करने में असफल रहता है, तब विक्रेता को यह अधिकार होता है कि वह माल को वापस ले ले, उसको जब्त कर ले तथा अब तक क्रेता द्वारा जितनी भी किस्तें चुकाई गई हैं उन किस्तों को किराया मानकर उन्हें जब्त कर सकता है, यानी उन किस्तों को भी वह रख सकता है अपने पास। जबकि उधार क्रय पद्धति में क्या होता है, इसमें क्रेता द्वारा भुगतान में त्रुटि किए जाने पर, यानी अगर क्रेता कभी किसी किस्त को पेमेंट नहीं कर पाता है तो विक्रेता को माल वापस लेने का भी अधिकार नहीं होता और ना ही प्राप्त किस्तें, यानी अब तक उस जितनी किस्तें हैं विक्रेता को प्राप्त हो चुकी हैं उन किस्तों को भी वह जब्त नहीं कर सकता। दोनों ही काम वो नहीं कर सकता, ना तो माल को वापस ले सकता है और ना ही किस्तों को जब्त कर सकता है। वो क्या कर सकता है, केवल अप्राप्त राशि के लिए, यानी जो राशि जितना पेमेंट उसका रह गया है उस पेमेंट के लिए वह क्रेता पर दावा कर सकता है, उसको वसूल करने के लिए केवल क्रेता से कह सकता है और इसी के लिए वह चाहे तो कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। अब जो फोर्थ पॉइंट है उसमें श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार ये है, इसमें अंतिम किस्त चुकाने तक क्रेता माल का स्वामी नहीं होता है, यानी किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जब तक उसने अंतिम किस्त नहीं चुकाई है तब तक क्रेता माल का स्वामी नहीं होता है, अतः यदि अंतिम किस्त चुकाने से पूर्व ही वह माल किसी तीसरे पक्ष को बेच देता है अथवा उसके पास गिरवी रख देता है तो तीसरे पक्ष को
उस माल पर श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार नहीं प्राप्त होता है, यानी उसको अच्छा अधिकार उस पर प्राप्त नहीं होता है वस्तु पर। और उधार क्रय पद्धति के अंतर्गत क्या है, इसमें अनुबंध करते ही क्रेता माल का स्वामी हो जाता है। अतः यदि वह माल किसी तीसरे पक्षकार को अगर बेच भी देता है या उसके पास गिरवी रख देता है तो तीसरे पक्ष को माल का श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार मिलता है, यानी उसको अच्छे राइट्स मिल जाते हैं, पूरी तरह से वह तीसरा पक्ष माल का स्वामी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हायर परचेज सिस्टम यानी किराए क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दी। अब इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देख लें, बार बार चलाकर देख लें, जिससे आपको किराया क्रय पद्धति और उधार क्रय पद्धति के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। और अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ में आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।